हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइटा का सेलेजेनेला प्लांट को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इसका क्लासिफिकेशन, जनरल करेक्टर्स और साइलोटम को डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग, और अब हम आज लेते हैं सेलेजेनेला। सेलेजेनेला जो है वो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सब ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नमी रहती है। तो नमी के जगह और थोड़ी जहाँ शेड एरिया होता है, शेडी एरिया होता है, छाया होती है, वहाँ ये ज़्यादा अच्छी तरह से पनप पाते हैं। तो सेलेजेनेला को अगर हम देखें तो ये क्लास लाइकोप्सिडा का मेंबर है, और ऑर्डर सेलेजेनेल्स और फैमिली सेलेजेनेसी। इसमें इसके पौधे को यदि हम देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें कि ये जैसे कि चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा वैसा ये दिखाई देता है। तो इसमें ये देखिए आप कि सारा जो इसकी जो तना है वो पत्तियों से ढका हुआ होता है। पत्तियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तो किसी स्पीशीज़ में एक ही प्रकार की होती है, तो उसके बेसिस पे ये होम्योफाइलम या हीट्रोफाइलम में भी रखा जाता है। तो होम्योफाइलम का अर्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार की पत्तियां होती हैं, और हीट्रोफाइलम जिसमें दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। तो और इसके अंदर एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको लिग्यूल कहते हैं, इसलिए इसको लिग्यूलोप्सिडा में रखा जाता है। लिग्यूल एक ऐसा पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है जो पत्तियों के बीच में पाया जाता है। जैसे इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि पत्ती के बिल्कुल नीचे की तरफ ये छोटा सा होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसका ये लाइफ साइकिल आपको दिख रही है। तो सेलेजेनेला जो है वो एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, मतलब डिप्लॉयड होता है, और इसमें ये शंकु या स्ट्रॉबुलस जो है वो बनता है। कुछ स्पीशीज़ में ये एक होमोस्पोरस भी होती हैं, कुछ हीट्रोस्पोरस। तो ये जैसे कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक ही स्ट्रॉबुलस में मेल और फीमेल जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, यानी जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। दोनों प्रकार के स्पोर्स एक ही शंकु में बनते हैं। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि एक में केवल मेल स्ट्रॉबुलस और दूसरे प्लांट में फीमेल स्ट्रॉबुलस पाया जाता है। अब इसमें क्योंकि ये हीट्रोफिली है, पहले जो हमने साइलोटम पढ़ा था वो होमोस्पोरस था, यानी कि सम बीजाणुकता उसमें होती है, जबकि इसके अंदर हीट्रोफिली यानी कि मतलब ये, तो इसके अंदर हीट्रोस्पोरस है, तो हीट्रोस्पोरस का अर्थ होता है जिसमें कि विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो ये इसके जो लाइफ साइकिल है वो ये दर्शा रही है। अब यदि हम इसकी प्रकृति एवं आवास देखें तो प्रकृति और आवास इसमें 700 प्रजातियां पाई जाती हैं, और मुख्य जाति इसकी है सेलेजेनेला क्रोशियाना और सेलेजेनेला रुपेस्ट्रिस, जो के रुपेस्ट्रस जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में भी पाई जाती है। ये पौधे जो हैं
ये पुनर्जीवी पादप भी कहलाते हैं, इनको रीसरेक्शन प्लांट्स कहा जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है। तो ये जो है वो रीसरेक्शन प्लांट्स कहलाते हैं। यदि हम बीजाणु पुत को देखें तो बीजाणु विद जो है तना, पत्तियां, जड़ एवं राइजोफोर जो है इसमें दिखाई देता है। तना जैसे मैंने बताया होमियोफिलम या हीट्रोफिलम, तो होमियो का मतलब होता है एक ही प्रकार और फिलम मतलब पर्टेन्स टू लीफ यानी कि पत्ती। तो पत्तियां यदि एक ही प्रकार की होती हैं तो होमियोफिलम, और दो प्रकार की पत्तियां होती हैं तो हीट्रोफिलम। ये वाला चित्र देखिए, इसमें ये दो प्रकार की स्पीशीज़ दिखाई गई हैं, जिसमें एक जो है जिसमें कि ये हीट्रोफिलम है, ए वाला जो है ये हीट्रोफिलम है, दो प्रकार की पत्तियां हैं और चार रोज़ में ये पाई जाती हैं, दो साइड में और दो आगे पीछे, और हर एक के लीफ के एक्सेल में लिग्यूल पाया जाता है, जैसे कि ये इसमें बी चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसमें जो राइजोफोर एक स्पेशल टाइप का इसमें संरचना पाई जाती है राइजोफोर, जिसके नीचे जो जड़ें लगी होती हैं रूट्स, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर सेलेजेनेला में पाया जाता है। तो इस स्पीशीज़ में ये राइजोफोर कहीं से भी निकल आता है, जबकि दूसरी ये जो स्पीशीज़ होती है ये इसमें एक तो होम्योफिली पाई जाती है यानी कि एक ही प्रकार की लीफ है होती है, जैसे चित्र से स्पष्ट हो रहा है, और इसमें जो राइजोफोर है वो एक होता है बीच में से निकलता है और उसके एंड पे जड़ें दिखाई देती हैं। तो ये दो प्रकार की स्पीशीज़ इस सेलेजेनेला में पाई जाती है। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लेते हैं पत्ती को या लीफ। तो सेलेजेनेला की लीफ को देखिए इस प्रकार होती है, सीरेट यानी कि आउटलाइन जो है वो कटी हुई है, और इसके एक्सेल में देखिए एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना ही है जिसको कि लिग्यूल कहते हैं। अब लिग्यूल की यदि हम ये संरचना देखें तो इस प्रकार से है कि ये एक नीचे की तरफ ये जो लंबी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इनको ग्लॉसोपोडियम कहते हैं, और ऊपर की जो है नॉर्मल सामान्य पत्तियां जिसके अंदर की क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें एक विशेष संरचना पायरेनॉइड्स पाई जाती हैं जो लाल लाल बिंदुओं से स्पष्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसी संरचना है जिसमें पायरेनॉइड पाया जाता है। पायरेनॉइड आपने ध्यान होगा कि ये एल्गी में पाया जाता है, और ये इसका क्या कार्य होता है, स्टार्च को जो है वो स्टोर करके रखता है। तो पर इसमें सेलेजेनेला में ये स्पष्ट नहीं है कि ये पायरेनॉइड क्या काम आता है, पर ये इसमें पाया जाता है। और पत्ती की यदि हम संरचना देखें तो इस प्रकार की है, जिसमें कि ये देखिए अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है आपको। लोअर एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा हैं, रंध्र पाए जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और वैस्कुलर बंडल जो है वो बीच में मिड रिब रीजन में पाया जाता है, जिसमें कि मेनली ज़ाइलम दिख रही है। और ये सारी जितनी भी कोशिकाएं हैं बीच में इसके, ये सब क्लोरोफिलस कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये तो है इसकी लीफ की संरचना। यदि हम अब देखें कि ये इसके स्टेम, तो स्टेम देखिए इस प्रकार की होती है। यदि हम इसका डायग्रामेटिक देखें तो ये
कुछ स्पीशीज़ में दो स्टील्स भी पाई जाती हैं, जैसे इस चित्र से दिखाई दे रहा है कि ये दो स्टील्स हैं। मैंने जो डायग्राम बनाया है ये एक स्टील का है, तो कुछ स्पीशीज़ में एक स्टील होती है जैसे कि ऊपर के चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम डिटेल में यदि हम देखें तो देखो ये एपिडर्मिस या अंतत, ये जो बाह्य त्वचा है वो ऊपर है, जिसके ऊपर क्यूटिकल है। कॉर्टेक्स या वलकुट दो तीन भागों में हम कह सकते हैं बटा हुआ रहता है। बाहर का आउटर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ ऊत की कोशिकाएं हैं। मिडल कॉर्टेक्स जो है वो सामान्य पैरेनकाइमेटस मृद ऊत की कोशिकाएं, और तो ये जो है ये कॉर्टेक्स दो भागों में बटा हुआ है। और फिर उसके बाद ये स्टील शुरू हो जाती है। स्टील में ये एंडोडर्मिस जो है वो बैरल शेप्ड सेल्स जैसे सामान्य दिखाई दे रही हैं, और ये हैं इसके ट्रबैक्यूले। ट्रबैक्यूले जो हैं वो दो से तीन कोशिकाओं से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। फिर आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल पतली भित्ति की कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसको परिरंभ भी कहते हैं। और इसमें देखिए ये ठोस रंभ दिखाई दे रहा है। ठोस रंभ यानी कि इसमें नाल या पित्त एब्सेंट है, तो बीच में जाइलम है और चारों तरफ इसके फ्लोएम है, जैसे कि चित्र से स्पष्ट है। तो बीच में जाइलम जो है वो देखिए, एक तरफ मैंने छोटी कोशिकाएं बनाई हैं जाइलम की, जो ट्रेकीड्स होती हैं छोटी छोटी हैं ना, इसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है जो पहले उत्पन्न होती है, जैसे जब डेवलपमेंट है स्टेम का हुआ तो उसमें प्रारंभ में जो जाइलम बना उसका आकार हमेशा छोटा होगा, क्योंकि वो संरचना छोटी होती है, तना छोटा होता है उस समय, है ना। बाद में जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है जो तना, वो फिर बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो जाइलम की हैं या ट्रेकीड्स की, वो बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मेटाजाइलम बाद का जाइलम होता है, जो बाद में बनता है तो वो बड़े आकार का होता है। तो इस प्रकार ये जाइलम इसका होता है, और चारों तरफ जाइलम के फ्लोएम पाया जाता है। पोषवाह जो टिश्यू है वो पाया जाता है। तो ये तो इसके स्टेम की संरचना है। यदि हम इसके रूट देखें, तो रूट में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इसमें राइजोफोर होता है, है ना, राइजोफोर होता है और रूट। तो राइजोफोर और रूट उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो है राइजोफोर और रूट, इसमें केवल अंतर ये होता है कि इसमें जो है वो रूट हेयर पाए जाते हैं रूट में, जड़ में, जबकि राइजोफोर में रूट हेयर नहीं पाए जाते। बाकी वही संरचना है बस, और स्टेम और रूट में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। बस केवल आप देख रहे हैं कि ट्रबैकुले जो है वो एब्सेंट हैं, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस, बाकी वैसा ही है। रूट एयर बाहर एपिडर्मिस में, फिर वलकुट जो है दो भाग में, बाहर की तरफ स्क्लेरेनकाइमा, अंदर जो है वो पेरेनकाइमेटिस या मृदु तक, और फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और बीच में जाइलम, चारों तरफ फ्लोएम। तो यही संरचना ये इसमें भी पाई जाती है, जो कि इसका स्पेशल संरचना है, जिसको कि हम कहते हैं राइजोफोर। तो ये इसकी आंतरिक संरचना हमने पढ़ी। अब राइजोफोर जो है उसका दो मत हैं। एक मत है कि जैसे कि हार्वे गिब्सन
ने दिया हुआ है कि ये एक मूल गोप रहित जड़ है। तो इनके अनुसार क्यों है ये जड़? क्योंकि ये घनात्मक रूप से जो है वो मतलब या हम कह सकते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। फिर इसका जो आकार है वो भी जड़नुमा है। दूसरा, इसके अंदर जो है वो पर्व और संधि अनुपस्थित है, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये एक जड़ है। पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं उनका कहना है कि ये तना है। वो साइंटिस्ट हैं जैसे ब्रुकमैन, वर्ड्सडेल, ट्रॉल, इनके अनुसार ये पत्ती विहीन तना होता है। क्यों इसको ये कहा गया है? क्योंकि इसका उद्गम यदि हम देखें मतलब ऑन्टोजेनी, तो एक्सोजीनस ओरिजिन होता है। एक्सोजीनस का मतलब है जैसे कि बाहर जो वल्कुट है, कॉर्टेक्स होता है, इससे ही साइड की ब्रांच निकलती है। तो ये केवल तने में ही होता है। जड़ में हमेशा, अभी आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो साइड की ब्रांचेस हैं जड़ में वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि स्टील से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि राइजोफोर जो है वो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होता है। तो इसलिए इसको एक स्टेम भी, कईयों का मत है कि स्टेम है। दूसरा एक है कि इसमें रूट कैप अनुपस्थित होता है, मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं कि ये साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टेम है। तो ये दो मत इसके प्रचलित हैं। अब ये हमने आज देखा पूरा के आंतरिक संरचना पौधे की किस प्रकार की है। अब हम इसका जनन जो है वो किस प्रकार होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।